तो ये क्रेमर्स रूल का पार्ट टू है। इसमें हम जानेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्रेमर्स मेथड से और डिटरमिनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्रेमर्स रूल। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के बाद भी क्या निकालना होता है, एक्स और वाई निकालना होता है। तो क्रेमर्स रूल में भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालनी है, और वो कैसे निकालनी है वो देखो। x कैसे निकलेगा, x इक्वल्स क्या होता है, डी एक्स अपॉन में d होगा। y क्या होगा, y होगा डी वाई अपॉन में d। अब ये डी वाई डी एक्स क्या है वो देखेंगे हम, ठीक है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब डी एक्स को मैं d से डिवाइड कर दूंगा, और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब मैं डी वाई को d से डिवाइड कर दूंगा। d का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट। और ये है डिटरमिनेंट ऑफ एक्स, डिटरमिनेंट ऑफ वाई, ठीक है। तो क्रेमर्स रूल सॉल्व करने के लिए हमको तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी, डी एक्स, सबसे पहले तो डी की ज़रूरत होगी, यानी कि डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ वाई। हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी क्रेमर्स रूल को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। ये देखो, एक इक्वेशन मैंने दिया, समझिए ये फॉर्म में होती है ना हमारी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। एक तो मैंने आपको ये फॉर्म बताया था, ठीक है, और दूसरी फॉर्म इसमें क्या होती है, वो जो सिर्फ क्रेमर्स रूल में काम आएगी वो इसमें ही एप्लीकेबल होती है, ए एक्स प्लस, वो भी एक फॉर्म है, दोनों ही फॉर्म है, दोनों इक्वल ही है, इक्वल्स सी इस तरफ होगा, अभी क्या होगा, सी इक्वल के वो तरफ होगा। मैंने पिछले वाले पार्ट में आपको जब आइडेंटिफिकेशन में पढ़ाया तो मैंने ऐसा करके बताया था आपको, बट क्रेमर्स रूल में हमको ये वाली फॉर्म को यूज़ करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, कोई कुछ नहीं है, सी इस तरफ आ गया बस, इक्वल के कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ, टू एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू टू। अभी आप मुझे इसमें से ए की वैल्यू बी की वैल्यू निकाल के बताओ, ए की वैल्यू होगी ये, बी की वैल्यू 4y, b की वैल्यू होगी 4, c की वैल्यू क्या होगी 2। अभी मैं इस तरफ नहीं लिख रहा, अभी मैं उसको वहीं रख रहा हूँ, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये तो हमारी एक इक्वेशन है, ठीक है। अभी मैं आपको एक दूसरी इक्वेशन दे रहा हूँ, अब आप मुझे इसमें a b c की वैल्यू बताओ, ये हो गई a, ये हो गई b, ये हो गई c। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है, दो इक्वेशन होती है। अब यहाँ दो इक्वेशन है, इधर भी ए बी सी, इधर भी ए बी सी, तो हमको क्या करना होगा, हमको ये क्या मानना होगा, पहली वाली इक्वेशन समझ लो ये है, पहली इक्वेशन को ए वन बी वन सी वन ऐसा मानना होगा, और दूसरी वाली इक्वेशन को ए टू बी टू और सी टू, मतलब छोटा सा लिखने का, ऐसा बी टू ऐसा मानना पड़ेगा इसको। तो इसके लिए ए वन बी वन सी वन ऐसा लिखना पड़ता है कि डबल डबल ना हो जाए, ए बी सी सेम सेम ना हो जाए, इसके लिए ऐसा लिखना पड़ता है। तो हमको ये पता होना चाहिए पहली इक्वेशन को ए वन बी वन सी वन और दूसरी जो भी होगी ए टू बी टू सी टू, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, हम पहले निकालना सीखेंगे डी कैसे निकालते हैं। तो अगर मैंने आपको एक दो इक्वेशन दिया, कोई भी मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन दिया, जैसे मैंने बोल दिया अभी, तो मैं ए वन के हिसाब से लिख रहा हूँ, ये ऐसे लिख रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, डायरेक्टली देकर लिखा मैं। अब दूसरी वाली इक्वेशन होगी, कोई भी माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो डी क्या होगा ना, डी क्या होगा, डी इक्वल्स ए वन ए टू, बी क्या होगा बी वन बी टू, ऐसा होगा। ए की डी की जो हमारी वैल्यू है वो कैसी होगी, ए वन ए टू बी वन बी टू, फिर कुछ भी वैल्यू देंगे हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, जिसके लिए मैंने डिटरमिनेंट सॉल्व करना बताया था। तो डी की वैल्यू क्या होती है, ऐसी होती है। अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूँ, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो ए वन ए टू बी वन बी टू, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ डी जो हमारा दूसरा वाला है डी एक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, डी एक्स कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं डी एक्स कैसे निकालेंगे, वापस से सेम इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये पहली और दूसरी इक्वेशन है, मान लो कुछ भी, ये पहली इक्वेशन है हमारी और ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि डी एक्स की जो वैल्यू है, ये जो दूसरा टर्म है हमारा, उसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी, देखो सी वन सी टू बी वन बी टू, ये डी एक्स की वैल्यू होगी, समझो आपको, मैं बताऊंगा इसको याद कैसे रखना है।
डी की वैल्यू क्या थी, ए वन ए टू बी वन बी टू, सी की एक्स की वैल्यू क्या होगी, सी वन सी टू बी वन बी टू। अभी दूसरा आगे वाला करते हैं, डी वाई की वैल्यू निकालना बताता हूँ आपको। डी वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, डी वाई की वैल्यू होगी ए वन ए टू सी वन सी टू, ये डी वाई की वैल्यू होगी, ए वन ए टू सी वन सी टू, ठीक है। ऐसे निकाले, तीनों को कंपेयर करेंगे, देखते हैं याद हो जाएगा आपको क्या होगा। ए वन ए टू बी वन बी टू, ये डी की वैल्यू हुई, डी एक्स की वैल्यू क्या थी, सी वन सी टू बी वन बी टू, और डी वाई की वैल्यू क्या थी, ए वन ए टू सी वन सी टू, ये डी वाई की वैल्यू थी। आप इसमें पैटर्न को देखो, डी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए वन ए टू बी वन बी टू, तो डी एक्स पे जब हम पहुंचे ना, तो जो बी वन बी टू है वो तो एज इट इज ही है, देखो ये एज इट इज है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, ए के बदले सी वन, ए वन के बदले सी वन और ए टू के बदले सी टू आ गया। तो डी एक्स में क्या होगा, ए वन ए टू चेंज हो जाएगा सी वन सी टू में, ये ध्यान रखना, तो आपको डी एक्स की वैल्यू याद हो जाएगी। और दूसरा पैटर्न देखो, दूसरा पैटर्न देखो क्या है, जब हम डी वाई पे डी वाई निकालना था तो हमको सिर्फ अगर डी भी याद हो गया तो बाकी का तो हम निकाल ही लेंगे। जब हमको डी वाई निकालना था तो देखो ये एज इट इज है, ये चेंज हो गया किस में, सी वन सी टू में। तो ये याद करने का तरीका क्या है, डी आप याद कर लो, ए वन ए टू बी वन बी टू, फिर एक्स निकालना है तो ए के बदले सी वन सी टू लिख दो, फिर अगर वाई निकालना है तो बी के बदले सी वन सी टू लिख दो, ठीक है। तो ये पैटर्न आप याद रखो। अभी आगे हम सम्स को करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कोई भी एक सम देकर दे रहा हूँ, रैंडम सम दे रहा हूँ, आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगा। अब पहले मुझे डी बताना निकालना, फिर डी एक्स बताना, फिर डी वाई बताना, फिर एक्स और वाई हम इंडिविजुअली निकालेंगे। टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू 14 होता है, एक इक्वेशन दे रखी है हमें, दूसरी इक्वेशन दे रखी है 5x प्लस 2y क्या होगा 16 होगा, ये दिया हुआ है। तो हमको पहले तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए a1 a2 b a b c की, इसके लिए मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया था। देखो ये क्या होगा, a1 होगा, ये क्या होगा माइनस थ्री है, ये a, ये b1 होगा, ये क्या होगा c1 होगा, ये देखो a2 होगा, या तो इसको a2 ले लो इसको a1 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये होगा b2, ये क्या होगा c2, a1 a2 बी वन ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप मुझे डी की वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगी। तो डी की वैल्यू अब तक आपको डी की वैल्यू क्या होती है, ए वन ए टू बी वन बी टू, ये डी की वैल्यू होती है। तो ए वन क्या है हमारा इसमें, ए वन क्या है, ए वन हमारा है टू, लिख दो टू। ए टू क्या है हमारा, फाइव, लिख दो फाइव। बी वन हमारा क्या है, माइनस थ्री, तो लिख दो माइनस थ्री। हाँ, और बी टू क्या है हमारा, टू, लिख दिया। हमारे डी की वैल्यू क्या आ गया, मैं पीछे लिख रहा हूँ, डी बराबर क्या है हमारा, टू फाइव माइनस थ्री एंड टू, माइनस थ्री एंड टू। अब हमको पता है ये डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इक्वल्स टू टू इंटू टू, माइनस में ब्रैकेट रखो, फाइव इंटू में माइनस थ्री हो जाएगा। टू इंटू फोर क्या हो गया, फोर, टू इंटू टू क्या हो गया, फोर हो गया। फाइव इंटू थ्री क्या हो गया, फिफ्टीन, माइनस है तो माइनस फिफ्टीन लगा दिया। फोर माइनस माइनस, ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा फिफ्टीन। तो डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, हमारी डी की वैल्यू आ गई 19। हमने डी की वैल्यू तो निकालना सीख ली, ठीक है। फिर इसके बाद हम निकालेंगे डी एक्स की वैल्यू। डी की वैल्यू हमने निकाली क्योंकि अल्टीमेटली हमको पहुंचना कहाँ पर है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए पहुंचना है, और एक्स की वैल्यू क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी होती है। हमने डी की वैल्यू निकाल ली, अब हमें डी एक्स चाहिए और वाई के लिए डी वाई चाहिए। तो हमने डी की वैल्यू निकाली, ये चार मार्क्स के समान है, ठीक है। तो आपको थोड़ा तो इसमें ध्यान रखकर ही करना होगा, तो आप बहुत ध्यान दीजिए इसमें। चलिए अभी आगे वाला करते हैं, यही करा दे तो आपको डी वन डी एक्स अच्छा रहेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। बस आप सिर्फ डी की वैल्यू याद रखना क्या आई थी, 19 आई थी, ठीक है। अभी हमको पता लग गया ए वन ए टू बी वन बी टू क्या है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ आप मुझे डी डी वाई की वैल्यू निकाल कर बताओ, डी एक्स की वैल्यू निकाल कर बताओ।
डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले तो ये लगा दो, ए वन वाला चेंज हो जाता है, ए वन किस में चेंज होता है? सी में, पी वन। ये तो मुझे भी याद नहीं था, अभी ऐसे ही याद हो गया, कराते कराते याद हो गया कि मैंने पैटर्न समझ लिया और मुझे अभी याद हो गया। ठीक है, सी वन सी टू, सबसे पहले सी वन क्या है हमारा? 14 है, यहाँ मैं आगे लिख रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। सी वन हमारा है 14, सी टू हमारा क्या है? 16। बी वन क्या है हमारा? -3। बी टू क्या है हमारा? 2। तो हमारी एक क्वेश्चन आ गई, 14, 16, -3 एंड 2। लिखते हैं वापस से, डी एक्स की वैल्यू क्या है बॉस? 14, 16, -3 एंड ये डी एक्स की वैल्यू। अब हमको क्या करना है, हमको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 14 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस में ब्रैकेट रखो, 16 इंटू -3 हो जाएगा। 14 इंटू 2 कितना होता है? 28 होता है, माइनस में ब्रैकेट में 16 इंटू -3 क्या होगा? -48 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 76। मतलब डी एक्स की जो वैल्यू आई है कितनी आई है? 76। हमने एक वैल्यू निकाल ली, हमने दूसरी भी वैल्यू निकाल ली, अब हम तीसरी वैल्यू पे जाएंगे। तीसरी वैल्यू हमारी क्या कहती है? जो कि है डी वाई। डी वाई कैसे निकालना? हम वापस वो स्लाइड पे चले जाते हैं। डी वाई निकालना है अभी हमको, क्या करना है हमको डी वाई के लिए? मैंने बताया आपको, आप एक पैटर्न फर्स्ट वाला डी याद कर लो, बाकी का पैटर्न आपको खुद ही याद हो जाएगा। अभी मुझे निकालना है डी वाई। डी वाई की वैल्यू होगी, देखो फर्स्ट वाला तो सेम होगा, ए वन ए टू, जो बी वन बी टू था वो चेंज हो जाएगा सी वन सी टू में। अब लिख लो, इक्वल नहीं आएगा, एरर आएगा, जगह नहीं है, इसके लिए ऐसे लिख रहा हूँ। ए वन की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। ए टू की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। सी वन की वैल्यू क्या होगी? 14 होगी। सी टू की वैल्यू क्या होगी? 16 होगी। ये हमारा पैटर्न बन गया। डी वाई की वैल्यू क्या होगी? 2, 5, 14, 16। ठीक है, डी वाई की वैल्यू लिखो अभी क्या होगी? 2, 5, 14 एंड 16। अब हमको पता है करना क्या है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 16 इंटू 2 माइनस में 5 इंटू 14। 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, माइनस में 14 इंटू 5 होता है 70। तो 70 में से जब 32, अब माइनस देखो प्लस है, ये कुछ नहीं है, मतलब प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 70 माइनस 32 विल बी 20, 70 माइनस 38 हो जाएगा, विल बी 38। और ये साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर क्या है? माइनस। तो डी वाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई? -38। अभी हमारा मेन मोटिव ये है कि नहीं, हमने अभी क्या किया, डी वाई डी एक्स सबकी वैल्यू निकाली। देखो डी की वैल्यू हमने निकाली कितनी आई? 19 आई। डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली कितनी आई? 76 आई। डी वाई की वैल्यू हमने निकाली कितनी आई? -38 आई। अभी हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना बाकी है। एक्स की वैल्यू क्या होती है? डी एक्स अपॉन में डी। चलो हमको पता है डी की वैल्यू क्या है, डी एक्स की वैल्यू क्या है? 76 है। और D की वैल्यू क्या है? 19। 19 वन्स आ, 19 फोर्स आ। X की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी आ गई? 4 आ गई। अब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये लेंथी क्वेश्चन है क्रेमर्स रूल का, और ये 4 मार्क्स के लिए आता ही है। हो सकता है आपको बॉक्स में भी सॉल्व करने दे दे, या तो ऐसे निकालने बोल दे। ठीक है, कि मैं अभी करा रहा हूँ तो आपको टाइम लग रहा है, बट जब आप करने बैठोगे तो आप खुद ही करने लग जाओगे उसको। ये मुझे स्लाइड बार बार चेंज करनी पड़ रही है, इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। अभी मुझे नेक्स्ट क्या निकालना है? मैंने एक्स की वैल्यू निकाल लिया 4, मैं यही इरेज करके आपको बता देता हूँ वाई की वैल्यू कैसे निकाल लिया। वाई की वैल्यू भी सेम है, बस वाई के बाद वाई में क्या रहेगा? डी वाई, वाई में होगा डी वाई इक्वल्स, सॉरी वाई की वैल्यू क्या होगी? डी वाई अपॉन में डी। डी वाई की वैल्यू क्या है? -38। और D की वैल्यू क्या है? 19। 19 वन ज़ा, 19 टू ज़ा। तो और देखो माइनस एच के लिए -2। X की वैल्यू क्या थी? 4। X की वैल्यू आ गई 4, Y की वैल्यू आ गई -2। तो ये सब यहाँ खत्म होता है। द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज X इक्वल्स 4 एंड Y इक्वल्स 2। अभी आगे वाले पार्ट में हम और कुछ सम्स को सॉल्व करेंगे, मैं आपसे इसमें से 2-3 सम आपको करा दूंगा, ऐसे ऐसे पिकअप करके सम कराऊंगा कि आपको डाउट नहीं होगा वो सब सम में। और अगर कोई डाउट भी है तो मैं डाउट सेशन का वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।